For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. सिर्फ तुम फिल्म का एक सॉन्ग आता है दिलबर दिलबर। इस सॉन्ग ने दोस्तों सुष्मिता सेन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। जितनी ज्यादा खूबसूरत, जितनी ज्यादा सेंसुअस लग रही थी सुष्मिता सेन दोस्तों, उतना इससे पहले कभी नहीं लगी। बेसिकली फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन ये सॉन्ग के लिए फिल्म को ज्यादा जाना जाता है, दिलबर दिलबर। हाँ, दिलबर दिलबर। अब दोस्तों इसी का ही रिक्रिएट वर्जन आया है फिल्म सत्यमेव जयते में, जो कि है जानदार शानदार। वेल, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले सॉन्ग के बारे में बताते हैं। फ्लैशी लाइट्स हैं इसमें थोड़ा सा प्रदर्शन है, और स्टोरी लाइन तो कुछ नहीं है। बस हाँ, ये मुझे सॉन्ग देखकर समझ में आ रहा है कि ये जो सॉन्ग है, ये ठीक लैला ओ लैला जैसा सॉन्ग था रईस में, वैसे ही इसका इस्तेमाल करेंगे। जहां पर एक सभा लगाई जाएगी, जहां पर गुंडे वुंडे बैठे हैं, डांस वांस का एंजॉय ले रहे हैं। जॉन इब्राहिम वहां पर पहुंचते हैं एकदम खूंखार अपने डेडली लुक में, और जॉन इब्राहिम मारेंगे गुंडे को वहां पर डिशुम डिशुम। अच्छा, उनके हाथ में है ना दोस्तों एक वो मैच बॉक्स भी लग रहा है, तो भाई यहां पर जॉन इब्राहिम जो है जलाने वाले हैं सामने जो भी करप्ट नेता या इंस्पेक्टर या जो कोई भी बैठा होगा। बात करते हैं अगर इस सॉन्ग की, यानी कि दिलबर के नए रिक्रिएट वर्जन की, तो नूरा फतेही इसमें डांस करती हुई हमें नजर आ रही हैं। शी इज लुकिंग डैम हॉट, शी इज लुकिंग डैम गॉर्जियस, बट हम मिस करते हैं सुष्मिता सेन जी को। जी हाँ दोस्तों, और प्लस इसे तो गाया है, इसे इसके जो सिंगर्स हैं वो है नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ के सितारे आजकल बहुत ज्यादा बुलंद है, हर तीसरे चौथे गाने में नेहा कक्कड़ अपनी आवाज लैंड करती हैं। उसके साथ धावी भानुशाली हैं और इक्का हैं दोस्तों, और इसको म्यूजिक जो दिया है तनिष्क बागची जी ने दिया है। सॉन्ग के अगर पूरे एंटायर विजुअल्स की मैं बात करूं, तो सॉन्ग में ठीक है बैले का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से बैले डांसिंग में जो वो ढोलक की आवाज आती है ना दोस्तों, टैप्स की आवाज आती है, वो इस सॉन्ग में आ रही है, जो कि ग्रूवी है और आई एम श्योर डीजे फ्लोर पे धमाल मचाएगा सॉन्ग। लेकिन कहीं ना कहीं ओरिजिनल सॉन्ग को ये ओवरकम नहीं कर पा रहा है, ये पीछे ही रहेगा। और उस वो एक लेवल था यार, जो सॉन्ग जिस तरीके से पहले बनते थे वो लेवल था। अब जो रिक्रिएट वर्जन्स आते हैं वो बहुत ही मुश्किल से उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि रैप घुसेड़ देते हैं बीच में और पूरे बोल को पूरे खराब कर देते हैं। वेल, अगर सॉन्ग को आप रेडियो में सुनेंगे तो मजा आएगा, जिम में सुनेंगे तो मजा आएगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो अगर मैं कहूँ थम्स अप या थम्स डाउन, तो ये मतलब नो थम्स अप नो थम्स डाउन, इट्स ओके। बट हॉटनेस के लिए, क्यूटनेस के लिए और सेंसुअसनेस के लिए ये सॉन्ग जाता है थम्स अप। आपको कैसा लगा ये नया दिलबर सॉन्ग फ्रॉम सत्यमेव जयते, जो कि 15 अगस्त को आने वाली है और गोल्ड के साथ क्लैश करने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज लाता रहूंगा मैं, राहुल भोज। टेक केयर।